सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के दो नोटिस आए हैं उनके ऊपर। वो नोटिस अगर आपने देख लिए हैं ऑलरेडी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखा दिए जाएंगे। गाइस, उन नोटिस में जो है यहाँ पर बताया गया है सर्दी की छुट्टियों को लेकर जो है कुछ अलग ही यहाँ पर जो है अब आदेश आ गए हैं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास के लिए। ठीक है, आपको पता ही होगा कि भाई 10वीं और 12वीं जो है उसकी तो छुट्टियों के अंदर भी क्लासेस लग रही थी, तो यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये जो नोटिस आए हैं छुट्टियों के लिए हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले एक नोटिस आया था उसमें जो है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक और नोटिस जारी किया, यानी कि टोटल दो नोटिस हैं, दोनों जो हैं एक ही नोटिस है अगर आप देखें तो। ठीक है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं आज की वीडियो में और समझते हैं कि इनमें क्या कहा गया है, क्या इनकी छुट्टियाँ होंगी यानी कि 10वीं 12वीं की या नहीं होंगी, और 11th क्लास के लिए क्या नई अपडेट है। ठीक है, तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो ये नोटिस जो हैं कल रिलीज़ हुए थे। ठीक है, डेट वगैरह मैं आपको अभी चेक करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट नोटिस को यहाँ पर जूम करके पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद जो है फर्स्ट नोटिस की जो आगे की बात है वो सेकेंड नोटिस में है, फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नोटिस को जूम करके पढ़ते हैं। आप देख सकते हो ये है हमारा फर्स्ट नोटिस, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा। ठीक है, सेवा में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुख प्रभारी। ठीक है, इसके बाद सबसे जरूरी यहाँ पर आप लोग डेट देख सकते हो, लेटेस्ट 4/1/2023। विषय क्या है इसका? टैबलेट पर शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य देने के संदर्भ में। अब इस लाइन को पढ़ के स्टूडेंट समझ रहे हैं कि भाई टैबलेट पर जो है अब गृह कार्य दिया जाएगा शीतकालीन अवकाश का और फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरी अपडेट देखिए। उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थी जिनके पास ई अधिगम टैबलेट है उन्हें शिक्षकों द्वारा जो है पीएल के माध्यम से गृह कार्य दिया जाएगा। ठीक है, आगे जो है इसको यहाँ पर स्क्रॉल करके पढ़ते हैं। अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीन सभी विद्यालयों में नियमानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें, यानी कि काम कैसे दिया जाएगा होमवर्क वो सुन लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सभी विद्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों पर गृह कार्य देना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हिंदी अंग्रेजी और SS के ऊपर। ठीक है, कक्षा 11वीं और 12वीं को हिंदी और अंग्रेजी के ऊपर। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, विद्यार्थियों को दिए जाने वाला गृह कार्य PL एप्लीकेशन पर प्रति विषय 5 होमवर्क असाइनमेंट दिए जाने हैं, यानी कि आपको 5 असाइनमेंट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है 50% सिलेबस से यहाँ पर जो है आपको काम दिया जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, सभी विद्यालय प्रमुख सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी निर्देशों का पालन करें। फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन था, शिक्षकों को 16/1/2003 यानी कि जब 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलेंगे को स्कूल में दोबारा खुलने वाले दिन होमवर्क की जाँच सुनिश्चित करनी होगी। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, PL डैशबोर्ड के माध्यम से सभी जिला ब्लॉक और स्कूल अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह देख सकते हो, ये है पहला नोटिस। अब इस नोटिस में क्या कहा गया है, छुट्टियों का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें कहा गया है कि भाई ये जो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि हमने 10वीं 12वीं की छुट्टियाँ कर रखी हैं, क्लास तो उनकी इसलिए लगा रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, यानी कि जैसे छुट्टियां की हुई हैं उन्होंने एक तरीके से, लेकिन क्लासेज आपकी लगाई जा रही हैं छुट्टियों में भी। ठीक है, तो अब जो है आपको छुट्टियों का काम दिया जा रहा है, मतलब यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। ठीक है, पहले ही जो है इतना बर्डन है, क्लासेज लग रही हैं, क्लासेज का काम मिलेगा, अब जो है छुट्टियों का काम आपको और दिया जाएगा लेकिन छुट्टियाँ मिलेंगी नहीं। ठीक है, समझ गए। अब जो सेकेंड नोटिस है, क्योंकि ये जो नोटिस आया इसमें जो है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो गए, अरे जो टीचर्स हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या भाई अब छुट्टियां पड़ गई हैं कि भाई काम देना है। तो फिर जो है सेकंड नोटिस निकाला गया, वो इसका ही सेकंड पार्ट है, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है, सेकेंड नोटिस आपके सामने है, यहाँ पर भी आप इसकी डेट वगैरह चेक कर सकते हो, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है और कल का ही है, कल ही दोनों नोटिस आए हैं, पहले वो आया था जो हमने अभी पढ़ा, फिर ये आया था। ठीक है, डेट देख लीजिए यहाँ पर 4/1/2023। ठीक है, इसका भी विषय वही है क्योंकि दोनों एक ही नोटिस हैं। ठीक है, टैबलेट पर शीतकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य देने के संदर्भ में, देखिए यहाँ पर उपरोक्त विषय के संदर्भ में विभाग के पत्र क्रमांक 28/13/2022 दिनांक 4/1/2023 की निरंतरता में, यानी कि इस लाइन का मतलब है जो पिछला नोटिस था उसके आगे में
आपको अवगत कराया जाता है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान कक्षा 10वीं तथा 12वीं, स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर थोड़ा, कि सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी, परंतु 10, 11 और 12 के सभी विद्यार्थी जिनके पास ई अधिगम टैबलेट है उन्हें शिक्षकों द्वारा पीएल विषयों पर शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य भी दिया जाना है। यानी कि इस नोटिस में एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अगर आपने पहला नोटिस पढ़ा और आपको ये लगा कि भाई यहाँ पर छुट्टियाँ पड़ गई है, छुट्टियों का गृह कार्य देना है, तो ऐसी बात नहीं है, हम जो है दूसरा नोटिस निकाल रहे हैं और उसमें इन्होंने जो आपके सामने है इसमें इन्होंने कह दिया कि भाई क्लासेस जो है वो पहले की भांति ही लगती रहेंगी, बस जो है हम पहले ये बोलना भूल गए थे कि छुट्टियों में जो है काम भी देना है। यानी कि ये बोल क्या रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये कह रहे हैं एक नोटिस में कि भाई जो है छुट्टियों का काम दिया जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं की छुट्टियां जो है नहीं होंगी, क्लासेस जो है लगती रहेगी। तो मतलब इतना कन्फ्यूजिंग जो है इन्होंने कर दिया है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस नोटिस का मतलब, जो ये दोनों नोटिस आए हैं इनमें जो है तुम्हारी छुट्टियों के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि भाई छुट्टियों का जो है तुम्हें काम दिया जाएगा, ठीक है, क्लासेस तुम्हारी वैसे की वैसे लगती रहेंगी। मुझे पता है तुम्हारे जो है थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक दो बार वीडियो को देखना, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये कल ही नोटिस आ गए थे लेकिन कल मैंने पढ़े तो मेरे खुद समझ में नहीं आए, फिर मैंने इनको समझा, ठीक है, फिर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो नोटिस हैं इनका यहाँ पर यही उद्देश्य है कि भाई अब जो है 10, 11 और 12 जो है सरकारी स्कूलों की, उनको जो है छुट्टियों का काम भी दिया जाएगा जो उनको टैबलेट पे करना है, ठीक है। लेकिन छुट्टियों का काम मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि भाई क्लासेस जो हैं वो जैसे लग रही थी 10वीं और 12वीं की वैसे लगती ही रहेंगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है अब थोड़ा सा ओवर बर्डन आप पे डाल दिया गया है कि अब जो है आपको जो टैबलेट मिले हैं, क्योंकि हम बार बार क्या कह रहे थे अपनी वीडियोज़ में, 10वीं 12वीं की छुट्टियों वाली वीडियोज़ देखना कि भाई टैबलेट क्यों दिए बच्चों को, अगर छुट्टी नहीं करनी थी तो ऑफलाइन पढ़ाना था तो अब इन्होंने क्या किया कि भाई टैबलेट पे भी काम दे दो। अगर यही कह रहे हैं बच्चे कि भाई हमें टैबलेट क्यों दिया, ठीक है, तो चलो उनको टैबलेट पे भी काम दे देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मेरे विचार में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहा है स्टूडेंट्स पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो है दोनों नोटिस आपके सामने हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, और आपके टीचर्स ने भी आपको इसके बारे में बता दिया होगा। लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हमारी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, छुट्टियों के नोटिस नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, सेकंड नोटिस में उन्होंने लिख दिया कि पहले नोटिस में अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए थे तो सेकंड के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि बस होमवर्क दिया जाएगा, क्लासेस जो हैं वो वैसे ही लगती रहेंगी 10वीं और 12वीं की। लेकिन कुछ एक स्कूल जो है 11वीं की भी क्लास लगा रहे हैं, तो भाई 11वीं की तो छुट्टी है, ठीक है, ये जो है जो पहले नोटिस आया था छुट्टियों का उसमें लिखा हुआ था, तो अगर कोई 11वीं की क्लास लगा रहा है तो ये तो गलत है, ठीक है। 10वीं 12वीं की बिल्कुल यहाँ पर कह रखा है कि भाई क्लास लगेंगी, लेकिन 11वीं का जो है जिक्र नहीं है, 11वीं को जो है काम दिया जाएगा होमवर्क, ठीक है, और वो अब 10वीं और 12वीं को भी दिया जाएगा। कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि ऐसे ही नोटिस हैं भाई इनके, ठीक है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था, मतलब बातें हैं जो वो घुमा फिरा रखी हैं। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि छुट्टियाँ जो हैं वो आपकी नहीं पड़ी हैं अभी 10वीं 12वीं की, ऊपर से आपको काम और दिया जाएगा अब जो है टैबलेट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा छुट्टियों के ऊपर कोई अपडेट आती है अगर तो वो आपको बता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।